ना बेटा फजान्स रूल, फजान्स रूल में क्या है, जब दो अनइक्वल साइज के आयंस एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, हम लोग जानते हैं जनरली जो कैटायन होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज, एंड एनायन जो होंगे वो क्या होंगे, लार्जर इन साइज। जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, जैसे देखो ये देखो स्मॉल साइज कैटायन, ये स्मॉल साइज कैटायन का जो न्यूक्लियस है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो टाइटली हेल्ड करके रखेगा ही रखेगा, और लार्ज साइज एनायन है, लार्ज साइज एनायन का मतलब क्या हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से फार अपार्ट है, न्यूक्लियस से फार अपार्ट है, तो इसका न्यूक्लियस जो अपने इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली हेल्ड करके नहीं रखता, तो अब क्या हुआ, सच इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में, एनायन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को ये जो स्मॉल साइज कैटायन का न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देता है, पुल करना शुरू कर दिया एज ए, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था किसका, एनायन का, वो क्या हो जाएगा, बिकम्स डिस्टॉर्टेड। कैसे बिकम्स डिस्टॉर्टेड हो रहा है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर टुवर्ड्स किधर आ जाएगा, बोलो कैटायन आ जाएगा, एकदम क्लियर है। सच फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, सच फेनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और ये किसके कारण हो रहा है, स्मॉल साइज कैटायन के कारण हो रहा है, द एबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज कैटायन टू पोलराइज लार्ज साइज एनायन इज कॉल्ड इट्स, इज कॉल्ड इट्स किसकी, कैटायन की पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, एंड द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड और डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी, एकदम क्लियर है। और सच फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, एकदम क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए, when two unequal size of ion approaches each other, the outermost electron of large sized anion, the outermost electron of large sized anion, हाँ क्या होगा वो, pulled by nucleus of small sized cation, ठीक है बच्चा, as a result the symmetrical electron cloud of large sized anion becomes distorted or deformed, or elongated. Beta, such phenomena is called polarization. Such phenomena is called polarization. Polarization. Next point. The ability of small size cation to polarize or deform the large size anion
लार्ज साइज एनायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग पावर को किसे डिनोट करेंगे हम लोग फाई से किसे डिनोट करेंगे फाई से एंड सच फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा चार्ज अपॉन साइज रेशियो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज रेशियो जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना स्मॉलर साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा चार्ज डेंसिटी होगा अब उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसके टाइम का देन है नेक्स्ट पॉइंट द एबिलिटी ऑफ लार्ज साइज एनायन to get distorted or deformed is called its polarizability. ये रहा polarizability. ये उसका polarizability कहलाता है. Done है? After polarization हुआ क्या? पहले देखो, ध्यान से देखो. अगर हम लोग बात करें, symmetrical electron cloud है किसी का? अगर दो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पेसीज एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यही है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये जिसे हम और ये दोस्त हैं भाई मिलाओ देखो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितना है तो पता चल रहा होगा कितने गहरे दोस्त हैं है ना लेकिन अगर क्या हुआ लार्ज साइज एनायन इलोंगेटेड हो गया अब जो है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ गया क्या आया ना अब देखो हम दोनों दोस्त हैं देखो दोनों दोस्त हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ रहा है मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है मींस क्या हुआ लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट ड्यू टू पोलराइजेशन extent of overlapping increases so covalent character also increases jane beta aur hum log rahe fajans rule aur abhi tak fajans ek baar bhi nahi aaya hai in such case mein hum log kya kahenge फजांस ने कहा क्या आखिर हुआ क्या है ना तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड फजांस रूल फजान साहब ने बेसिकली बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा जितना छोटा साइज किसका होगा केटायन का स्मॉल साइज केटायन उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ लार्ज साइज एनायन को अपनी तरफ पुल करेगा क्या होना चाहिए एक तो कैटायन का साइज एकदम छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज क्या होना चाहिए बहुत ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लार्जर द साइज ऑफ एनायन फेवर्स पोलराइजेशन यस और नो लिखिएगा नंबर वन स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लार्जर द साइज ऑफ एनायन more is the polarization
जितना छोटा साइज केटायन का हो और जितना बड़ा साइज किसका हो एनायन का हो उतना ज्यादा क्या होगा पोलराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे बेटा सब कोई एवरीवन, अगर हम लोग बात करें देखो तो LiCl NaCl KCl RBCl CSCl डाले बच्चा, इन सच केस में सब पे देखो एनायन फिक्स है, एनायन क्या है हमारा Cl माइनस, Cl माइनस आया ना, और जो केटायन है हमारा क्या है बोलो प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। अब तो करता कौन है केटायन ही तो पोलराइज करेगा, तो कि हम लोग जान रहे हैं केटायन की जो प्रॉपर्टी है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज रेशियो, एकदम क्लियर है अरे बेटा। अब देखो फाई फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज तो सबके सेम है, अब क्या देखेंगे साइज, तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग कम, पोलराइजिंग क्या पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम होगी। अब बताओ सबसे बड़ा साइज किसका है, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी होती कम होगी, तो सबसे ज्यादा पोलराइज कौन करेगा, तो ऊपर जाने पे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा मतलब पोलराइजेशन बढ़ेगा। अब पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा यस और नो, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर जाने पे बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर डेफिनेटली क्या होगा नीचे जाने पर बढ़ेगा यस और नो, एरो क्या इंडिकेट कर रहा है बढ़ना आसान है। फिर देखो अगर मान लो हमारे पास है HF HCl HBr और HI यही बेटा, अब देखो तो क्या केटायन फिक्स है, केटायन फिक्स है और एनायन क्या है हमारा वेरिएबल है, केटायन फिक्स है तो एनायन के ऊपर जाते हैं, जितना ज्यादा बड़ा साइज एनायन का होगा, इसका साइज सबसे बड़ा है बोलो I माइनस का साइज सबसे बड़ा है, जितना बड़ा साइज एनायन का होगा उतना ज्यादा और ऊपर जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब अगर मान लो ऐसा है हमारे पास, मान लेते हैं सपोज NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4 ये चार कंपाउंड ले लिया हमने, एनायन स्टिल Cl- है, सारे के सारे एनायन हमारे क्या है फिक्स है, वेरिएबल कौन है केटायन, तो पहले चार्ज देख लें, चार्ज क्या होगा हमारे पास जरा बताओ Na के ऊपर प्लस वन, यहाँ पर क्या होगा प्लस टू, यहाँ और यहाँ, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा SiCl4+ का होगा, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसका होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा SiCl4+ का हो जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बच्चों NaCl का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, आसान है। अब अगर बात करें बेटा दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एकदम डन है, लेकिन नंबर टू, नंबर टू अगर मान लो कि हमारे पास केटायन और एनायन दोनों सेम साइज के, मतलब दोनों दोनों जो है सेम है, केटायन और एनायन दोनों मतलब स्पीशीज सेम है, लेकिन चार्ज वेरी कर रहा हो, सपोज देखो FeCl2 और बात करें FeCl3, देखो हमारे पास आयरन है Cl है, यहाँ पे देखो तो एनायन हमारा माइनस वन में है, ये भी माइनस वन में है, लेकिन यहाँ आयरन किस में है प्लस टू प्लस, और ये किस में हमारा प्लस थ्री दैट इज फेरिक, फिर देखेंगे किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज किसका ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा FeCl3, आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा FeCl2, आसान है। अब अगर मान लो बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं NaCl और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास CuCl2, NaCl एंड CuCl2 डन है, चलो यहाँ पे चार्ज वेरी कर सकता है, हम ले लेते हैं MgCl2 एंड CuCl2 ले लिया, अब देखो तो एनायन हमारा फिक्स है, अब देखें केटायन में मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है प्लस टू और कॉपर के ऊपर कितना है बोलो बेटा प्लस टू डन है। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि किसका ज्यादा होगा,
सेम हो जाएगा? नहीं, एकदम नहीं। अब हम लोग साइज के ऊपर जाएंगे क्योंकि चार्ज तो सेम है, तो हम लोग साइज से उसको चेक कर लेंगे। साइज कैसे चेक करते हैं? E by P रेशियो, इसे देखते हैं E by P रेशियो। मान लो अगर सवाल हमारा ऐसा हो, ध्यान दो एवरीवन, MgCl2 एंड ZnCl2, MgCl2 एंड ZnCl2, देखो तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना आ गया H2 और Zn के ऊपर कितना आ गया H2। अब दोनों सेम है। yes, अब यहाँ पर देखेंगे Mg2+ को। Mg2+ को देखो, Mg2+ का मतलब क्या है? That is neon को, neon 10। और Zn2+ का मतलब क्या है बोलो बेटा? Zn2+ का मतलब Argon 18 3d10। excellent, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो कहां से निकला है? हमारा से निकला है। आसान है? यस सर। अब देखो ये पूरा का पूरा भरा हुआ और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। यस सर। और ये जो है हमारा, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। यस सर। लेकिन नोबल गैस ग्रुप 18 नहीं है। तो ऐसा जो कंप्लीटली फिल्ड हो लेकिन ग्रुप 18 से बिलोंग ना करता हो उसको कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या कहते हैं उसको? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और ये हमारा कैसा हो गया बच्चा? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, है ना? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू pseudo noble gas configuration has more covalent character as compared to noble gas configuration। MgCl2 और ZnCl2 में ज्यादा covalent character किसका होगा? ZnCl2 का होगा। क्लियर है? समझ में आया कैसे कैसे फजान्स रूल काम कर रहा है? अब इसके एप्लीकेशंस को देखें, आखिर एप्लीकेशंस कैसे ऑब्जर्व करते हैं, है ना? तो जैसे देखो, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उससे कौन कौन से प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होंगे? द मोस्ट एप्लीकेबल चीज तो यही है बेटा, है ना? तो जैसे सबसे पहले, कंपाउंड अगर आयनिक है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कैरेक्टर की कम होगी। कल को भी सवाल आ जाए, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहे हैं? जैसे हमें दे दे कंपाउंड, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर मीथेन है ना, कार्बन, SiH4 इज साइलीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। Arrange them in increasing order of बोलो melting point। melting point के order में हम लोग क्या देखेंगे? जिसका क्या हो, जिसका आयनिक character ज़्यादा है ना। अब बताओ सबके ऊपर क्या है? +4 +4 -4 -4 आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलना है बेटा। चलो compound ऐसे ले लेते हैं, CCl4, SiCl4, जर्मेनियम, टिन, ले लिया। एनायन फिक्स हो गया। yes, अब वेरिएबल कौन है हमारा? केटायन। सबके ऊपर चार्ज सेम है, हम लोग क्या देखेंगे? चार्ज डेंसिटी से, चार्ज अपॉन साइज। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? नीचे क्या होगा? साइज बड़ा। yes, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ऊपर वाले का बढ़ेगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा? यही ऑर्डर होगा मेल्टिंग पॉइंट का, यही ऑर्डर होगा किसका? बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर है? फिर सोचो, हम सब जानते हैं कि एक लायक बच्चे का दोस्त लायक बच्चा ही होता है, क्या जी? नहीं। यस सर। यस। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो उसी के साथ रहता है, है कि नहीं? तो जो कंपाउंड जितना ज्यादा पोलर होगा, आयनिक का मतलब क्या हो गया? केटायन एनायन, है ना? आयन बेटा। अब इनके बीच कैसा बॉन्ड होगा? पोलर होगा, पोलर इन नेचर होगा।
तो क्या कहेंगे हम लोग, जो कंपाउंड आयनिक इन जिसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। और जो कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उनकी सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन पोलर सॉल्वेंट लाइक लाइक आया ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, क्लियर है बेटा। अब समझो इनकी सॉल्युबिलिटी कहां होगी ज्यादा, नॉन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ऐसे सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है, तब वो सवाल आ जाए, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी देन इन वाटर। चार कंपाउंड दिए, वाटर को देखा, वाटर कैसा सॉल्वेंट है हमारा, पोलर सॉल्वेंट है, तो मतलब जिसका आयनिक करेक्टर ज्यादा, आसान है। Arrange them in increasing order of solubility in benzene. तो benzene में देख लेंगे non-polar solvent है ना? Covalent character. Covalent मतलब क्या हो गया? Sharing of electrons से बना सर, है ना? ये property किसकी होती है? Non-metals की होती है. Electron negative elements की होती है. तो जिसकी covalent क्या होगा? Non-metallic character. सर कौन सी क्लास है ये? Non-metallic character ज़्यादा होगी. Non-metallic character increases, ऐसे में non-metallic character क्या होगा, increase करेगा। और यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, metallic character increases, done बच्चों? समझिए जो covalent character से क्या होता है, इससे हम लोग एसिडिक स्टेट से, मान लो कि कोई एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालो, कार्बन क्या नॉन मेटल, तो नॉन मेटल ऑक्साइड की बात कर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड CO2 plus H2O क्या देगा बेटा, H2O, कार्बोनिक एसिड है, तो वो एसिड।